देखो भाई ठीक है, चौबी को ही रानी, चौबी रानी पड़ेगी वाली डिस्टर्ब नहीं है कहाँ जाएगा यार, चौबी जाते हैं कुछ गलत होगा जब तो मीटिंग में कल कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा भाई, आया समझ घर जाके देखो है या कुछ चेंज करें कुछ तरीका प्लान नहीं है बोलो कुछ ठीक है कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही बताऊँगा मैं, तो बताऊँगा ही कॉन्सेप्ट तुम्हें, सवाल तो तुम खुद ही करोगे ज्यादा रहा तुम्हें ठीक है। ये पहले दिन था कि ये बताना था कि होता क्या है कंपलेक्शन में, कल कंपलेक्शन में शुरू भी नहीं हुआ कल, तो क्या हुआ क्या बताया था कि मैंने कल आयोटा बताया था इमेजिन नंबर क्या होता है, आज शुरू है कंपलेक्शन नंबर ठीक है। फिर जाते डिवाइड कर लिया था कितना बचा था रिमाइंडर इसका मैंने सुन लिया, सवाल यही है इसका है अभी थोड़ी देर में कर लेंगे इसका ठीक है, माने फोन बचा होगा नीचे हैं बोल यही ऑन कर। देखो भाई कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई आयोटा बी, बाद में लिखी थी देख चुका पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ए प्लस आयोटा बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये पढ़ा होगा तुमने, आर का मतलब रियल नंबर, ए बी अगर रियल नंबर हो ए प्लस आयोटा बी इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका होता है, ये कंपलेक्स नंबर, इसके दो हिस्से होते हैं भाई, एक तो आई वाला और एक जो ये होता है इसको क्या कहते हैं रियल पार्ट, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट कितना जगह था ए रियल पार्ट और इमेजिनरी इमेजिनरी हो जाएगा आई बी, रियल पार्ट कितना आ गया ए, इमेजिनरी कितना आ गया बी। अच्छा जो ये ए बी है इसको ये भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसे क्या इसे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ पेयर ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, इस तरह लिख सकते हैं, अगर इस तरह लिखा है तो क्या कहते हैं ऑर्डर पेयर, क्या कहते हैं इसको ऑर्डर पेयर, पेयर किसे कहते हैं भाई जोड़े को, जैसे हर चीज़ का जोड़ा होता है शुगर है आँख का, तो ए डो ए बी रियल नंबर होने चाहिए इसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर है, ये जो एक्स अक्ष पे ही आएगा क्योंकि किसी चीज़ें कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले एक्स फिर वाई, ये तो लिखते हैं किसी भी चीज़ कोऑर्डिनेट, ये तो पढ़ा होगा जो पहले लिखा होगा एक्स एक्सिस पे वो क्या होता है रियल रियल पार्ट होता है उसका, और जो बाद में होता है उसको क्या कहलाता है वो इमेजिनरी पार्ट, यहाँ तो बात में आ गया इधर उतारने जो थोड़ा उतार लो,
देखो क्या लिखा मैंने, जो कम्प्लेक्स नंबर है वो इस तरह की फॉर्म में होगी, फॉर्म किस फॉर्म में होगा, ए प्लस आई बी में, आई बी रियल नंबर होगा, आई की वैल्यू कल बताई थी माइनस वन होती है, रूट माइनस वन। हाँ तो बात करनी होगी, नंबर को एन से दिखाते हैं ना, गैस इस तरह क्यू से है, आई था इंटीजर, सी एफ जो है बड़ा सी कैपिटल सी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू, अगर कोई फॉर्म है सी इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, वेयर आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन, दैट इज कॉल्ड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। या इस फॉर्म में दे दें, इस तरह भी दे दें, लिख लोगे फिर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यहीं से शुरू हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, आई पे कल हमने बहुत बड़ा डिस्कस कराई था भाई, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अच्छा मान लिया, अब क्या है, एक कोई मान लिया जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, चांस ये दिया हुआ है, जो गिवन है, देखो भाई एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसके दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट से क्या बताया था मैंने, और दूसरे को, अगर इसका मान लिया रियल पार्ट कितना जाए, नहीं नहीं, अगर ए इज इक्वल टू जीरो आ जाए, ए इज इक्वल टू क्या जाए इसका जीरो आ जाए, तो नंबर कैसा होगा, दैट इज इक्वल टू आई बी आयोटा बी, इसमें जो है यानी कि रियल पार्ट क्या हो गया, खत्म है, इमेज नहीं बचा, जैसे कह रहे हैं प्योरली इमेज नहीं, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ए नंबर विच हैव ओनली इमेजिनरी पार्ट, इन पार्ट का प्योरली इमेजिनरी, अगर बाई चांस जी इक्वल टू क्या जाए, जीरो आ जाए, फिर क्या जाएगा, दैट इक्वल टू ये क्या आएगा, प्योरली प्योरली रियल नंबर, रियल कॉम्प्लेक्स, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी कारण से उतार लो, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि अगर मान लिया ये ए जीरो आ जाए तो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, तो बी इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो प्योरली क्या होगा, अगर पहचानने कोई अगर पहचान है कि नंबर ये कैसा नंबर है ये, तो उसके देखते ही बता देंगे, अगर उसके अंदर ओनली आई है तो कैसा नंबर है वो इमेजिनरी, और अगर आई उसके अंदर रिमूव हुआ है, आई नहीं है तो कहते हैं प्योरली, सीधी सीधी बात है, कोई ज़्यादा तो फॉर्म लगा नहीं भाई, इसको ये भी लिख सकता हूँ भाई, मैं क्या लिखता हूँ, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड, इसे क्या लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई एम का मतलब, अगर कहीं किताब में आई एम लिखा हो पढ़ रहे हो तो आई एम का मतलब क्या समझाना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, यही बात है भाई, यही नहीं कहा, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों एक ही बात है, ये अलग अलग है भाई, एक ही तो बात है, ये तो बोल के दिखाया था अभी हमने, चाहे इसको ये लिख देना, इसके आगे लिख दो, आगे बढ़ेगी बात की बात, देखो भाई अब क्या है, अगर रिप्रेजेंट ऑफ किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह शो करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, सुना है,
एक्स और वाई। हाँ जी, तो एक्स और वाई में भी किस तरह दिखाते हैं? कंप्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो इन्होंने बताया कि जो नंबर है उसको जो एक्स और वाई एक्सेस में होती है उसको दिखा दो क्या होता है, वो कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। दो एक्सेस होते हैं बच्चों, दो ही एक्सेस पढ़ाए जाएं। कौन कौन से एक्सेस पढ़ाए जाएं? एक्स और होते कितने एक्सेस हैं? तीन। कौन कौन से? एक्स वाई जेड। फिर थ्री डायमेंशन भी हो जाए हो नहीं जाते? थ्री डायमेंशन का एग्जाम्पल है कहाँ है ये देखा कोई? तीन एक्सेस देखी भी हैं कभी? हमने देख दुनिया में देखा कहीं नहीं दिखा सकते हूँ तो बहुत ही। चलो ये भी थ्री डायमेंशन है बच्चों को, वैसे तो ये बताया जा कि जैसे बच्चों को बताते हैं कि भाई ये कैसी शेप है, वो बच्चों को बताते हैं कि ये रेक्टेंगल की शेप है, एक व्यक्ति ये लेंथ ये ब्रेथ। जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ उसे कहें भाई ये थ्री डायमेंशन होगी, लेंथ ब्रेथ और ये हाइट भी तो है, ये तो ये हो गई है। इसके अलावा कोई कहीं तीन ही वो भी देखे तुमने, तीन डायरेक्शन जितने एक्स वाई एक्स तीन एक्स देखे नहीं कहीं मिलते हुए? दिखा दूँ देखे को ना क्या देखिए कितने एक्स मिल गए, लेकिन तीन दिख गए आपको भूलने नहीं क्यों? एक्स वाई और ठीक है। चलो अब इन्होंने ये बताया कि मुझे दो एक्सेस पर दिखाना है, दो एक्सेस पे, दो एक्सेस पे किससे दिखाऊंगा मैं? ये तो एक्स एक्सेस होता है ना, ये तो होता है बीच में क्या होता है यहाँ ये ओरिजिन, नहीं कहते इसको ओरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ओरिजिन क्या बड़ा देता है ये क्या होता है वाई ठीक है। जो इसका रियल पार्ट है उसको लेते हैं एक्स एक्सेस पे और इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सेस, तो उसे क्या कहते हैं? वही कम्प्लेक्स है। मान लीजिए कम्प्लेक्स नंबर मुझे शो करना है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इस तरह शो करेंगे भैया इसको। मैंने क्या बताया था एक्स एक्सेस को क्या करेंगे? ए तो मान लिया ये है यहाँ से यहाँ तक कितने आए, ए है मान लिया भाई चाँद है ये ए है, बी कहाँ से कहाँ तक क्या है ये रहा यहाँ से यहाँ तक की बी है, तो इन दोनों को मिला देंगे ये हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी, ये नंबर दिखा देंगे भाई ये कम्प्लेक्स नंबर बता तो दिया ये वाई एक्स वाई एक्सेस का ही तो पार्ट है, ये जो वाई एक्सेस का है वो आयोटा में होगा। अब देखो आयोटा जो है वाई एक्सेस, हाँ मैंने यही तो बताया जो इमेजिनरी पार्ट है उसका वाई एक्सेस को शो करेगा, जो इसका रियल पार्ट है वो किस एक्सेस को शो करेगा? एक्सेस, ठीक है ना? ये बात नहीं। अब देखो इसका थोड़ा सा एक और मैं तुम्हें अच्छी बात बताऊँगी, तुमने पढ़ा होगा इधर ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट ये कौन सा था, ये कौन सा था, ये फोर्थ, ये तो था भाई इतने तो पढ़ा होगा। इसमें जो है साइन अलग अलग होते हैं, यहाँ कितने का था ये प्लस प्लस, इधर कितने का था ये इधर प्लस इधर, इसीलिए इसमें था प्लस प्लस प्लस, ये तो था भाई। इसमें क्या था प्लस माइनस या माइनस प्लस? पहले एक्सेस आएगा ना, एक्सेस उसको उल्टा जाएगा माइनस बाई एक्सेस प्लस, फिर में इसमें क्या आएगा माइनस माइनस, इसमें क्या आएगा माइनस प्लस माइनस। ध्यान रखना देखो भाई ये ध्यान रखना क्या तरीका है इसका, पहले एक्स एक्सेस आता है, पहले क्या आता है कुछ भी हो जाए, फिर क्या आता है इनकी इनको घर मिलता है ये पहले एक्सेस ले लो, फिर इसमें ये पहले एक्सेस ये लेते हैं ओरिजिन की तरफ जाएंगे, फिर वाई एक्सेस भी जाएगा, ये तो घर बनता है कि किसी चीज़ ही नहीं बनता, ये दूसरा घर बन जाएगा ये। अच्छा अगर मान लिया मेरे पास नंबर ये होता जेड इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, फिर क्या घर बनता भाई ये कहाँ जाएगा? जी देखो ए तो ये रहा है पॉजिटिव, बी कहाँ जाएगा? बी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, तो कहाँ जाएगा ये
थर्ड में आ जाएगा, कहाँ जाएगा ये, थर्ड में आ जाएगा ये, कहीं को मैंने कहा यहाँ इस तरह का बन जाएगा है, यानी जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। हाँ तो ए तो पॉजिटिव है, ए कहाँ है, अच्छा ए इधर आएगा, लो इधर कर लेंगे हैं, ये तो भी हमारे घर की खेती है, चाहे जहाँ इधर कर लो हैं। जी ठीक है, अरे है यहाँ तो है ही पॉजिटिव, यहाँ तो है ही पॉजिटिव, यहाँ तो है ही पॉजिटिव, आगे समझो भाई। अच्छा माइनस ए माइनस बी कहाँ जाएगा भाई ये, अगर ये नंबर भी तो हो सकता था कम्प्लेक्स नंबर, ये दैट इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आई टू बी, कहाँ से जहाँ ही बनाया था, ये तो आएगा दाल के पास में, दो दो कोई दिक्कत कोई नहीं, तो रिप्रेजेंट करना आ गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी यहीं थी एक और बात। अच्छा भाई देखो इसमें लिखने की जरूरत तो नहीं है, इसको है जरूरत, देखो एक नंबर क्या है, एक नंबर मान लिया ये है इसमें, अच्छा ईमानदारी से ये देखो सोच के थोड़ा सा, जैसे कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इसके अंदर, एक मान लिया एक नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, इसको आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ आई से, तो कहाँ जाएगा नंबर, इस नंबर बताओ जो रियल नंबर है वो आयोटा हो जाएगा, देखो भाई ये कह रहा है ए प्लस आयोटा बी को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा आई, ये आ जाएगा भाई आई ओटा ए प्लस आई स्क्वायर बीटा, आई स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस वन, तो क्या आएगा ये माइनस बी प्लस आई, ये तो आ क्या आ जाएगा, क्या जाएगा ये माइनस माइनस बी क्या जाएगा वो आयोटा ए, ये आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा भाई, ये आएगा ना, अब अगर ये इसका कंप्लेक्स नंबर है, ये यहाँ आ रहा है ये आयोटा भाई, मान ली ये नंबर है ए प्लस आयोटा भाई, ये बी माइनस बी प्लस आयोटा कहाँ जाएगा, ये कहाँ कौन से समझ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, यानी कि अगर ये कितना होता है 90 डिग्री है, यही इसकी कॉन्सेप्ट है, लिखो लिखो तेरा लिखो भाई, मल्टीपल ऑफ ए, मल्टीपल ऑफ ए नॉन जीरो लिखो, तो मल्टीपल है ये सॉरी पहले मैं जोर कर लिखा, मल्टीपल ऑफ ए नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीपल ऑफ ए नॉन जीरो कम्प्लेक्स बाई आई आयोटा, बाई आई आयोटा इट रोटेबल द राइट एंगल राइट एंगल इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या मतलब समझे, देखो भाई मान लिया ये कोई अगर नंबर गया गिवन है, उसको आई से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वो जो है नंबर कितने एंगल रिमूव हो जाए, कितने एंगल घूमेगा और किस किस डायरेक्शन में आता है ये एंटी क्लॉक, रट लेना तो उत्ते की तरह इम्तहान में आता है जेई में, यही तरह के सवाल आते हैं।
वो पूछेगा कि भाई एक एक मान लिया 2 + 3 i है, 2 + 3 i है, इसका अगर कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मान लिया मैंने i से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया है i से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये नंबर इतना आ गया, तो बताओ ये जो है कितना घूमेगा, ये 90 डिग्री क्लॉक वाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, बहुत नन ऑफ जी इस तरह करते हैं ये लो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई नंबर आई से मल्टीप्लाई होगा तो 90 डिग्री या किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमेगा, हो जाएगा रटना कोई दिक्कत नहीं, यही कॉन्सेप्ट, ये किसका उल्टा है, लिखो उल्टा क्या है, जो कुछ चीज़ें जो भी एलिप्टिक रटनी पड़ती हैं, सही में आगे किसको घूमें, लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बाय माइनस आई रोटेट्स द पॉइंट अबाउट द ओरिजिन, ये ओरिजिन के आगे है ना, ये ओरिजिन के यहाँ, ये अबाउट द ओरिजिन के तो घूम रहा ना, ये कहीं नहीं, हाँ नहीं घूम रहा ये, और शर्त क्या होनी चाहिए, ओरिजिन अबाउट द थ्रो ए राइट एंगल इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, अब थोड़ा अब हुआ कुछ, दोनों तरीके याद कर लो, किसी तरह कर लो, क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा भाई, ये सीधी सीधी बात है कि मान लिया ये कोई नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, अगर इसको आई से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डायरेक्शन किस में, एंटी क्लॉक वाइज में डायरेक्शन मूव होता है, कितना 90 डिग्री, और इसको अगर मल्टीप्लाई कहें से कर दो तो फिर कह में होता है, वो देखो दो ही डायरेक्शन होती हैं दुनिया में जितने सर्कुलर की, कौन कौन से होते हैं, एक तो क्लॉक वाइज, एक क्लॉक वाइज का मतलब जो घड़ी की डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉक वाइज जो ये तो पता ही होगा है, तो अगर आई से क्या होता है और माइनस आई से, अगर कोई भी चीज़ याद रखनी है तो उसको रिलेट कर लेते हैं किसी से, क्या कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं, तो उसके इजीली याद हो जाते हैं, जैसे मान लो आई के साथ क्या करना है, आई के साथ उल्टा है, आई के साथ होना चाहिए तो क्लॉक वाइज, जैसे ये माइनस नहीं आया है तो आई के साथ कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ उल्टा है माइनस आई तो क्या कैसे घूमेगी, दिक्कत तो नहीं आई यहाँ तक के, आगे बढ़ें, आएगा एक कॉन्सेप्ट समझ में, ठीक करो, ठीक है कौन अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है अब आगे बढ़ें, ऑपरेशन क्या होते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशन को नाम भाई कहाँ, क्या होता है ऑपरेशन, डॉक्टर कर ऑपरेशन है, और भी सुना के भी ना, मैथ में क्या होता है जी, सवाल को हल करना है, और देखो क्या करते हैं हम, ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ कर लो, बनाओ इधर को बना लीजिए, क्या कह रहे हैं बना लिया बोले फिगर से, देखो अब तो ध्यान है फिर तुम भूल जाओगे है ना, बारी बार फिगर में भी दिखा देता है, बताओ कितना एंगल होगा, ये एक बार आई टी में तो आ गया था सवाल, ये आई है ये बताओ क्या आया था, ये पूरी सिंपल सा सीधा यही कह रहा था, यही दिया था, नहीं ये तो ए प्लस आयोटा भी है, ये क्या होगा माइनस बी प्लस आयोटा है, बताओ ये एंगल कितना होगा, बताओ यहाँ ये अगर तुम फिगर होगी तो हम देख के बता दोगे, नहीं होगा यार खैर आ गया हमारे, इसलिए अब तो ध्यान है ना, जब थोड़े हल्के जब किताब भर जाएगी, जब ध्यान नहीं रहना तुम्हारा है ना, इस तरह ये तो बना देते तुम फिगर तो बन जाएगी, ये बनाओ
बना रहे थे भी, मैंने कहा शायद मुझे कह रहे बनाने के लिए, मैं तो तुम्हारी वजह से बना रहा। देखो भाई ये ऑपरेशन क्या होते हैं, देखो मैथ में दो ही चीज़ें होती हैं। अच्छा मैथ जब हम मैथ में करते क्या हैं, मैथ में अगर तुम मैथ का देखो सिंपल ही, पहले सर माइनस करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये तो करते हैं, और कुछ तो नहीं करते। क्या करते हैं, पहले माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, इसका नाम ही मैथ है। इसलिए बच्चे को जो एलिमेंट्री क्लास होती है फिफ्थ तक की, उसे यही बात बताई जा, क्या बताई जा, मल्टीपल डिवीजन। अब बेटे बता अच्छा बारह पंजे क्या हूँ, ये नहीं पूछते तुम भी कहीं जाते हो छोटे से, यानी आप मल्टीपल पूछ रहे हो उससे। अच्छा बेटा बेटे दस, मेरे पास दस टू हो गया थी, तीन खाली कितनी रह गई, छोटे बच्चे ही तो सवाल किए जाए छोटे। अब शाबाश बहुत होशियार हो गए भाई ये तो, हैं ठीक ही तरह से। यहाँ भी वही ऑपरेशन है, यहाँ भी क्या है, इन चार चीज़ों को ही ऑपरेशन क्या है, देखे होंगे तो कभी ना कभी नाम सुने होंगे या देखते होंगे। देखिए इनके ही जो रिएक्शन करते हैं इनके साथ, वही हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन है। यहाँ ऑपरेशन वैसे तो होना नहीं भाई, डॉक्टर काटा पंटी वाला है, कैंची लेके चलो भाई चीरा लगा दिया, इनके साथ ऑपरेशन है। यानी प्लस कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीपल, यही ऑपरेशन है। ये क्या है ऑपरेशन, मान लिया एक कोई नंबर है जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वन वन एक ही कोई नंबर है, पहला नंबर है। जेड टू कितना है, ए टू प्लस आयोटा बी, एडिशन ऑपरेशन। पहले क्या है एडिशन ऑपरेशन, क्या है एडिशन में क्या आता है भाई, एडिशन में ये वाला ऑपरेशन हुई क्या जाएगा, जेड वन प्लस जेड वन प्लस जेड वन कितना है ए वन, जेड टू क्या है ए टू प्लस, इनका क्या जाएगा, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है कि जो इसका रियल पार्ट है रियल के साथ जोड़ लो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ये बताने की जरूरत है। ये प्लस तो बढ़ी रखा हमने, क्या कॉन्सेप्ट है कम्प्लेक्ट नंबर का, तो क्या जाएगा ये ए वन ए टू प्लस आयोटा कॉमन ले लूँ बी वन प्लस, बोलो भाई आगे बात है, ये आ गया यानी कि द सम ऑफ या द एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, वी विल गेट एडिशन देयर कोरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, द सम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी उसके साथ के जो रियल पार्ट है उनके हिस्से और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग जोड़ दो, तो ये क्या आता है इसका एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा सब्ट्रैक्शन करके दिखाइए उस तरह, इधर कार्ड उतारना चाहो करके दिखाओ सब्ट्रैक्शन क्या जाएगा, दौड़ लो पहले, अगर पहले ये लिख लो, ये लिख लो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, क्या करोगे क्या सब्ट्रैक्शन करके दिखाओ, बात है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करके दिखाओ, सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा जेड वन माइनस कर दिया,
क्या आ गया? ठीक है भाई, आगे सबको यही करके दिखाऊँ क्या? रहने दो भाई, रहने दिया करके दो। यानी क्या आ गया, देखो क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। फिर इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंस है, जो माइनस है कि इस का रियल पार्ट का और अलग अलग कर लो, यही तो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये होता है एडिशन, क्या नहीं, ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है मल्टीप्लाई कहते हैं। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा भाई इसका, देखो भाई क्या होगा मल्टीप्लिकेशन इसका, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन इसका भाई, देखो भाई मल्टीप्लिकेशन क्या होगा इसका, एक तो क्या होगा ये जेड वन मल्टीप्लाई जेड टू, जेड वन की वैल्यू कितनी है ए वन आयोटा बी वन, जेड टू की वैल्यू है ए टू प्लस आयोटा बी टू। जिस तरह हम बच्चों की तरह करते हैं, पहले ए वन की दोनों में मल्टीप्लाई, फिर क्या आएगी बी वन की मल्टीप्लाई, कोशिश करते हैं क्या आ जाएगा ए वन मल्टीप्लाई ए टू, क्या आ जाएगा फिर आयोटा ए वन बी टू प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा 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 स्क्वायर बी वन बी टू। ये तो समझ में आता होगा भाई सबके, ये भी यार बताऊँ किस तरह आया है, सब क्या आ गया होगा भाई। देखो भाई A1 A2 ए टू जो कसम है आयोटा, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा, दोनों में क्या कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लूँ क्या जाएगा A1 B2 प्लस B1 ए टू माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो माइनस वन बी वन, इन्हें दोनों को इकट्ठे कर लो, दोनों रियल पार्ट हैं, तो क्या आएगा ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू प्लस आयोटा ए वन बी टू प्लस बी वन बोलो आसान है उसके लिए। ये तो है जैसे मैट्रिक्स का ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू है, वही तो है इस तरह जाता है आई वन आयोटा ए वन बी टू बी वन ए टू। ठीक है भाई, आई थोड़ी थोड़ी बात में आगे बढ़ते, आगे बढ़ो भाई। इसके बाद क्या आता है, क्या आना चाहिए डिवीजन, लिखो डिवीजन क्या आ जाएगा, डिवीजन क्या आ जाएगा, देखो भाई आएगा तुम्हें बोलो डिवीजन क्या आ जाएगा भाई, जेड वन अपॉन जेड वन की वैल्यू कितनी होती है ए वन आयोटा बी वन, जेड टू की वैल्यू कितनी होती है ए टू प्लस आयोटा बी टू। क्या करता हूँ मैं इसे रैशनलाइज कर दूँगा, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करता था, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका जो डिनोमिनेटर है उसके रिवर्स से ऊपर नीचे क्या कर देता था मैं, मल्टीप्लाई कर देता। ये तो था इसका क्या उल्टा होगा, ए क्या क्या होगा इसका, इससे दोनों से यही होगा, बिल्कुल सही है, यही करूँगा, क्या आ जाएगा बोलो ए वन प्लस आयोटा बी वन ए टू प्लस आयोटा बी टू ए टू माइनस आयोटा बी टू ए टू माइनस के आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जब भी आएगा किसी फॉर्म में लिख। ठीक है भाई, आई बात नहीं, आगे बढ़ो भाई जी, बहुत लेंथ ही पड़ेगा इसका। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा इसका इजीली सिंपल वे में, ठीक है ना, ए वन ए टू जी टू इनकी मल्टीप्लाई करी थी मैंने, करी थी भी मल्टीप्लाई, अभी करके दिखाई थी मल्टीप्लाई करी थी अभी। अब मैं एक स्टैंडर्ड एक छोटा फॉर्म देखता हूँ क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन है फाइव प्लस फोर आई, क्या है फाइव प्लस फोर आई, ये वाला फाइव प्लस फोर आई अपॉन फोर प्लस फाइव आई,
यानी फोर फाइव प्लस फोर आयोटा प्लस अपॉन फोर प्लस फाइव आयोटा, इसको एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या कहेगा, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किसको करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, अभी बताया था मैंने, एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है भाई, तो क्या करेंगे इसके रैशनलाइज कर दूंगा, इसके क्या इसके उल्टे से क्या कर दूंगा, ऊपर नीचे करके देखो, देखो किस तरह करते हैं, देखो ये भी रहेगा, और उससे क्या जाएगा, ये फाइव प्लस फोर आई अपॉन फोर माइनस फाइव आई आयोटा मल्टीप्लाई क्या आएगा, फोर माइनस फाइव आई अपॉन फोर माइनस करके दिखाओ मेरे आगे, क्या आ गया, ये आ गया, देखो यही आ रहा था उसका, अब फोन कितना आ रहा, ये तो यही आ रहा भाई, इकतालीस है नीचे, इकतालीस है सोलह पच्चीस, इकतालीस ठीक है, ये चेक कर लियो, मैंने इनका बताया, मैंने चेक करा, कभी आप भी हाँ भाई ये ठीक है लिख दें, आपका क्या आ रहा भाई, कर लो आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये यार बस ये तो ठीक है, बस हो गया ठीक है भाई, वही बच वही था जो फाइव फोर द ट्वेंटी, फाइव फोर द ट्वेंटी माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी, ठीक नहीं है बस सीधी की बात, ठीक है भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, ये बताऊँ इसे करके दिखाऊँ बेटे, बोलो करके दिखाऊँ आपको, करके दिखाऊँ, आगे बढ़े भाई, देखो भाई एक और ख़ास बात है, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप ट्रिग्नोमेट्रिक करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन उसके फॉर्मूले तो आपको रटने ही हैं सब्जेक्ट, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो तुम सोल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड फॉर्मूला कोई आता है, हमेशा आता है, देखा जो तुमने सेट थ्योरी में भी आया होगा, अब भी आएगा, देखो एक क्वेश्चन में देता हूँ, जैसे इसके फॉर्मूले हर एक याद नहीं चाहिए भाई ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है क्या कहते हैं लिख के याद करो बार बार, एक बार नहीं बार बार करो, स्कूटी पहले दिन नहीं चलानी आता, अभी स्कूटी चलानी जब सीखोगे पहले दिन थोड़ी आ जाएगी, अच्छा कल तुमने ये जो इमेजिनरी के घर बैठे करे होंगे, समझ में आया था, घर बैठे करे थे किसी ने क्वेश्चन, क्या टाइम नहीं मिला था, सारे नहीं हो गए होंगे, सारे नहीं हो गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी आपको, आप नहीं करे टाइम नहीं लगा होगा, नींद आ गई थी है पहले आ जाएगा कहेगा, चलो ठीक कर लेना कोई दिक्कत नहीं हो जाएंगे कन्फर्म, मैं 100% इन्हें बताओ भाई, देखो एक सवाल है जैसे ये वन अपॉन वन माइनस कोस थीटा प्लस टू आयोटा साइन थीटा, इसका कर J
ये हाँ बेटे वनीत है, ये वन है, ये वनीत है बेटे। वन अपॉन वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू आयोटा, ये हाँ देना ना देखो क्या किसका साइन होता है, मैंने बोला इमेजनी का साइन होता है, डीएल से कोई लेने देने होता, डीएल से किसी लिया दिया था मैंने। देखो बात है, देखो सुनो एक बात, एक मिनट के लिए बात सुन लो। अगर घर में कोई मोटा सा भाई आ जा, भाई नहीं होता भाई दुनिया के लिए, तो मोटा मोटा गया उसे नहीं, घर में तो बहुत भाई हो, ये होता नहीं, तो यो मोटा भाई हो गया, इससे कोई लेने देने, मेरे रियल पार्ट हो गया, पता मोटा सा भाई आ गया, कोई लेने देना हो, पहले सूखा सा था वो चार ही ताया है, अभी बड़ा सा हो गया, होते नहीं, बड़ा भाई बहन भी तो होता है, मोटा तो होता नहीं, घर से बाहर निकाल देते हैं उसको, ये जुग तो जाएगा रिटी है, बदलता क्या है सिर्फ पार्ट का टाइम बदलना, ठीक है कॉन्सेप्ट करो। ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई इसके अंदर, क्या बताया इसका स्टैंडर्ड में क्या कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर है इसका, कॉन्जुगेट करना है, उल्टा करना है किसका, इमेजिनरी पार्ट का उल्टे से रैशनलाइज करना ऊपर नीचे, ये वैसे ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर है, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है जी, है ही नहीं कोई कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है, यही एक ही कॉन्सेप्ट है, और होता मैं बता देता तुम्हें, ये तो पूछ रहा हूँ सर मैं, इस पूरे स्कूल में पानी नहीं होता यार, है इतना बड़ा स्कूल है ना, बोती लिया बस जो कि किलो थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा है? भाई से कर लोगे घर बैठ के आगे बढ़ूं करो या घर बैठे कर लोगे, मैं करूं ठीक है, मैं को और एक और बता देता, वैसे मैं उसके ऊपर एक और बता देता, मैंने कहा देखो भाई वन माइनस कॉस थीटा माइनस टू आयोटा साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा माइनस टू आयोटा साइन थीटा, यहाँ तो बात सुन आ गई भैया, देखो वन की कल भी वही कॉन्सेप्ट था कि वन की किसी भी चीज़ें मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आता है सेम नंबर आता है, ये तो ऊपर आ गया वन माइनस कॉस थीटा माइनस टू आयोटा साइन, ये क्या कॉन्सेप्ट लेगा इसमें, यह है सारा एक, ये सारा ही है, यह ए प्लस बी ए माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये तो याद होगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? ये कौन सा लगा है भाई, ये तो भूल गए होंगे यार। नहीं ये तो ध्यान होगा भाई, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। माइनस टू आयोटा साइन थीटा का बोल, ठीक है सर आगे बढ़ो। देखो भाई ये तो एग्रीटी जूगा, तू एक बार वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आती। इसका ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वन का स्क्वायर वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू कोस थीटा, इसका क्या जाएगा माइनस टू आयोटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर साइन माइनस फोर आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है सब ठीक ठाक, आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा ऊपर। तो कुछ करा ही नहीं मैंने भाई, ना करने की हिम्मत है मेरे में, कुछ होना ही नहीं। वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू कोस थीटा माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आई स्क्वायर की माइनस वन, अरे माइनस ये रहा क्या जाएगा प्लस फोर, सीधी की सीधा डायरेक्ट क्यों नहीं आगे बात नहीं, ठीक है एग्रीटेड। फिर से एक बार और करती हूँ इसे, इसको कर सकता हूँ थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिक्कत तो नहीं है? तीन प्लस एक नहीं कर सकते, दिक्कत तो नहीं? एक साइन स्क्वायर थीटा यूरा, एक साइन स्क्वायर थीटा यूरा कितना जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना जाएगा, और एक वन यूरा कितना जाएगा, तो क्या जाएगा टू प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकूँ डायरेक्ट लिख सही में यार। आ गया समझ में आपके, आपके समझ में आ गया ये, हट के बताऊँ भाई बोलो आप ही नहीं आया कहाँ, वो तो बच गया मेरी, इनका तो सुनवा इन दोनों का तो इलाज हो गया, इन दोनों का तो इलाज कर ही दिया, तो क्या बचेगा थ्री नहीं टू प्लस थ्री थ्री साइन स्क्वायर थीटा माइनस, बस नीचे से आई ख़त्म करना है तो रैश नहीं लगे, आई ख़त्म नहीं हो गया कहाँ रह गया, तो सिंपल सा हो गया सीधा था, और तो सीधा था बच्चा हो गया, हो नहीं गया नीछे हैं कहाँ, लेकिन ये कहाँ, ये तो आई स्क्वायर नहीं था यहाँ कहाँ हो गया था फिर, लेकिन आंसर ही भी लिखा जा कभी, अगर मान लिया ये हो गया टू प्लस टू ही गया, ये भी छोड़ गए कभी, टू प्लस टू को फोर पे लिखना ही पड़ेगा, ये भी छोड़ कर जाएंगे, तो ये जब ये मुझे दिख रहा है ये इसका भाई रखा है, ये इधर से इसका भाई रखा है, ये तो लेगा भी अपना हिस्सा, कौन क्या थे जब प्लस बताओ दिक्कत हुई जी, हाँ ये तो रेस में देता है, ये तो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे, हाँ जैसे ऊपर जैसे होते हैं रेस में तो हम रूट ख़त्म करते थे। आगे बढ़े भाई बात जी, हाँ इसको और अगर रैशनलाइज करना है भाई साहब, और बताऊँ इसको और थोड़ा सा और करना है, इसको साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में बदल लूँ क्या जाएगा, और फिर ये जो है क्वाड्रेटिक हुआ जाएगा बाइनोमियल पॉलीनोमियल कि टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री, थ्री कैसे फैक्टर है जिनका हो, ऐसा भी हो सकता है नहीं तो ये तो है ही, क्यों आगे बढ़ो हैं इतना ही बहुत हैं उलझ जाओगे, ठीक है मतलब मैं कह रहा हूँ हो सकता है आगे भी अगर चाहो तो, फिलहाल तो इतना ही बहुत है। जितना पेन चलेगा इतनी प्रैक्टिस अच्छी होनी है, प्रैक्टिस काम कर रहा है, मैथ होता क्या है। आगे बढ़े भाई, एक एन सी आर टी बुक का क्वेश्चन है डायरेक्ट उनका ये लिखाऊँ सीधा, इसी इस तरह का ही कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा है थोड़ा, जैसे J
जैसे क्या क्वेश्चन है भैया ये? वन प्लस आई ओटा की पावर सिक्स प्लस वन माइनस आई ओटा की पावर, इसको कह मैं कह रही रहूँगा कार्ड से। देखो भाई क्या करता हूँ, देखो भाई हर चीज़ थोड़ी तुम्हारे से हो। वन प्लस आई ओटा, देखो क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे सिक्स की पावर नहीं कोई सोल्व करना पता है, पता तो नहीं, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले जो बहुत अच्छी तरह पता हर चीज़ की, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर पता है इतना, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसको मैं टू में ही तोड़ लूँ, ऐसा कर लेता हूँ, इसे ये कर लिख लूँ, कल ही बताया था मैंने पावर को ब्रेक करना, दिक्कत तो नहीं, बात तो नहीं, यही इसमें ट्रिक है। इसे क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है भाई, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या कर सकता हूँ, क्या जगह बोलते रहो, वन का स्क्वायर वन आई स्क्वायर प्लस टू आई की पावर, ठीक है भाई, प्लस ये क्या जाएगा वन प्लस आई ओटा का स्क्वायर माइनस टू आई की पावर, है नहीं आदमी साहब तो बन चमका कुछ सवाल था। आई ओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भाई, इधर देखो आप भी देख लिया थोड़ा सा बाद में, नहीं टाइम दे दूँगा आपका, थोड़ा सा समझ लो, वन माइनस आई प्लस टू आई ओटा की पावर, ठीक, इधर क्या जाएगा ये वन माइनस टू आई ओटा की पावर, इस वन से क्या गए इधर क्या आएगा ये इधर क्या आ गया ये इधर माइनस आएगा, माइनस की पावर कितनी है ओड है तो क्या आएगा हमेशा बाहर माइनस आएगा, कल भी बताया था मैंने याद है, और ये माइनस यहाँ जाएगा प्लस माइनस माइनस ये जुगा दूँ, ये दोनों एक जैसे हैं बस इससे जा गया, फाइव माइनस फाइव आते नहीं, फाइव माइनस फाइव जीरो नहीं होता, ये नंबर इफ वी डिफरेंस बिटवीन नंबर, इफ नंबर इज सेम दैन रिजल्ट विल बी जीरो, अगर दो नंबर हैं दोनों का डिफरेंस क्या आता है सेम है तो क्या आएगा एक्स माइनस एक्स जीरो नहीं आता, आसान नहीं था, अगर थोड़ा सा अगर लगाते हैं यही इसका कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा सवाल है ना, एनसीईआरटी बुक है। एक और आई एन सी आर टी के वो क्वेश्चन कराऊँ भाई मैं, हाँ जी सही सरकार उसके बाद करो जी, कुछ कल से कुछ इम्प्रूवमेंट है या सही है या उससे बेकार है, कुछ है थोड़ा बहुत तुम्हारे में भी है, चलो मेरे में तो है, मैं इसके बाद तुम्हारे भी होना चाहिए, पहले किसके अंदर होना चाहिए मेरे अंदर, फिर आप में भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, जब भी तो गाड़ी चलेगी, अगर दो पहिए आगे के मैं हूँ दो पहिए तुम भी तो पीछे है, बता देना भाई जहाँ भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो मुझे अपने में बता देना, ठीक है, जब भी कुछ फ़ायदा है अगर तुम पढ़ रहे हो यहाँ अपने टाइम खराब कर रहे हो अपनी मम्मी पापा पैसे खर्च कर रहे हो कुछ भी, एक हरूफ तो आना चाहिए रोड में से, एक हरूफ सीख के जाओ, नहीं सीख के जाओ, ठीक है भाई, कल ही बताया था मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं, मैं नहीं सभी गई हैं उनका थोड़ा बहुत मान सम्मान रखते हुए, एक रात कुछ नहीं कुछ है नहीं, ठीक है नहीं भाई तुम्हारे, क्योंकि हर एक बच्चे के माँ बाप की बड़ी उम्मीद होते हैं, बड़ी मेहनत से कमाते हैं सबको, वो सारे अपने दुख सुख सारी लड़ाई झगड़े सब बच्चों के लिए करते हैं भाई, मम्मी तुम्हारे कपड़े भी नहीं बनाती होंगी, पापा ने कहा चल बेटे तुम नहा ले दिवाली पर, ना ऐसा ही नहीं होता, तुम उनके ख्वाब हो, तुम उनके
इनको पास कभी मत करना, ठीक है भाई। अगर दुनिया में कहीं कोई स्वर्ग या जन्नत है तो कहाँ कौन है वो? कहीं मत जाना दुनिया में कहीं भी किसी के पास, महात्मा के इधर उधर भाई किसी मर्जी चले जाना, रोकने का कि जाना ही नहीं है, लेकिन घर सबसे बड़े कौन है? माँ बाप ही देखते हैं उनकी सेवा करूँगा कहीं, ठीक है ना, उम्मीद मत तोड़ना, ठीक है भाई। आई बात नहीं ये सच कह रहा हूँ, अगर किसी को खुशी होना है दुनिया में तो क्या करे वो अपने माँ बाप की उनका कहना ना, मतलब वही सेवा रहेगी उन्हें पैंट कोई बिछवाता ना मार टांग बिछवा भाई, बस नहीं मेरा कहना मान लिया, बस खुश हो जाएगी बात में, क्या क्या कहना मान लूँगा क्या कहना है। अभी बेटे पढ़ गए वो भी उसके फ़ायदे के लिए हैं, अभी बेटे वहाँ ना खड़ा हो गलत सोसाइटी में ना इधर ना कर बेटे ऊपर ना चेक पढ़ना, वो भी किसका फ़ायदा है उसमें? बच्चों का ऐसा अपनी मम्मी पास रहते हैं उनके दर्द होता है, बताते भी नहीं हमारे दर्द हो रहा है, दवाई भी नहीं खाते बेचारे पैसे खर्च भी जाना, ठीक है भाई। अभी बच्चों कुछ हो चलो भाई चलो इसे बढ़िया डॉक्टर के लिए चल रहे हैं, अच्छा माँ बाप बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है भाई करोगे भाई ये कहना दूर मानना मेरा चाहिए पढ़िए ना पढ़िए क्या कह रहे बहुत अच्छी है, अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो माँ बाप का उनका मतलब उनका ख्वाब और उनका उनको बुरा करिए, ऐसा काम ना करना जिससे उनकी गर्दन नीचे हो जाए कभी भी, ठीक है भाई। बहुत अच्छी चीज़ होता है मम्मी पापा देखो भाई कहाँ गई। अच्छा एक सवाल है एक हो यार बहुत अच्छा सवाल, बहुत ज़्यादा आता है ये सवाल, ये यूपी बोर्ड में भी आता है एनसीईआरटी में भी आता है वो उसमें भी आ जाता है आईटी में, तो क्या सवाल है ये? वन प्लस आईओटा अपॉन वन माइनस आईओटा की पावर एम इफ, ये फंक्शन है भाई ये वन प्लस आईओटा अपॉन वन माइनस आईओटा की पावर एम इज इक्वल टू कितना है? वन है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द एम, देखा भी होगा सवाल किसी ने जो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एम, बहुत अच्छा है पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा अच्छा करना चाहिए बोलो और बढ़ा सकते अच्छा अच्छा चले, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जब भी सही काम चल जाएगा। देखो भाई ये क्या क्या क्वेश्चन है, ये दे रखा है वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा की पावर एम इक्वल टू वन है, ये कंडीशन दी हुई है, किस कंडीशन के लिए किस एम के लिए इसकी वैल्यू वन होगी इस, ठीक। अच्छा देखो क्या कुछ समझाई थोड़ी थोड़ी बात, तो क्या समझाई होगी देखो अभी मैंने क्या बताया था एक मिनट के लिए ये ध्यान देता है, अगर ऐसा होता तो क्या करते थे क्या करते किससे इसके करो बस करो करो इसे ई लिख के करो 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 शाबाश करो शाबाश हो गया बस काम हो गया बस यही तो ताज में तुम तो बैठे ही तो बारात में आए हुए हैं इन्होंने कहा कि भाई ये जो है इसके उल्टे पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ये कराओगा तुमने ये तो करा था भाई बता दो क्या गलत करूँगा मैं देखो ये है ए प्लस ए और ए का स्क्वायर नहीं हो गया वन प्लस आई का स्क्वायर अपॉन वन माइनस ए वन का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर ये तो आ गया होगा बोलो भाई अच्छा इसका क्या आ जाएगा भाई ये वन प्लस आई का स्क्वायर प्लस टू आई अपॉन वन का स्क्वायर प्लस जी हो गया अब तो बच्चे बड़े हो गए यार मेरे बच्चे रह गए हैं तो बड़े सारे हो गए मोनी गए हैं बोलो समझ में नहीं आएगा भाई किस तरह अच्छा इसकी वैल्यू देखो वन चली रही देखो ये वन चली रही दिक्कत तो नहीं थी भाई अपने कोई दिक्कत तो नहीं आई देखो भाई
वन प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हो वन माइनस वन प्लस टू आयोटा अपॉन टू, वन वन टू इक्वल टू वन, वन से मन जाएगा आई इक्वल टू वन। दिक्कत तो नहीं भाई? बोलो। लेकिन ये एम भी तो था यार, एम भी ए यू तो था, एम यू। कोई नई बात तो नहीं करी, बताओ सब आपके पास आया था कोई तुम्हारे पास? मैंने तो कुछ नहीं करा। अब देखो ये आई की पावर एम इक्वल टू वन है, यू कह रहा किस लीस्ट वैल्यू के लिए, क्या एम की वैल्यू कम से कम पॉजिटिव वैल्यू रखूं आई एम की, क्या जगह है वो, तो क्या रखूं बताओ? सीधी बात है, और क्या कुछ भी नहीं करने की बात है। अगर तुम चाहते खुद हो जाते हैं तुम जब कहते हैं क्या महाभारत आ गई है नहीं। एक छोटी बात बताऊँ तुम्हें माँ के ऊपर, बताऊँ अगर अच्छी सुनना चाहो। एक हुआ एडिसन, हुआ एडिसन हुआ आइंस्टाइन हुआ, मतलब मेरे ध्यान दोनों से एक ही हुआ, दोनों बड़े नाम तो सुना होगा, एक बिजली वाले एक EM बराबर MC स्क्वायर वाले हैं। दोनों अगर ये ना होते फिजिक्स कुछ भी ना होता है, दोनों में बड़ा ही काम करा। शायद एडिसन ही थे वो, तो वो स्कूल गए थे, तो जब वो एक दो दिन स्कूल जाते हो गए तो टीचर ने एक पर्चा दिया अगली माँ को, ठीक। तो देख आ गई बच्चों घर, तो भाई वो बच्चा खड़ा था तो माँ ने पढ़ा, माँ के आंसू निकल गए, तो पर्चा भरा, टीचर ने पर्चा दिया था, तो उसने पूछा बच्चे ने भाई क्या आया मम्मी इसमें हैं? अब यार मैंने पूछा तेरा पढ़ाई किस तरह होगी, अब क्यों, अब इसमें भी लिख रखा तुम्हारे बच्चे में तो बहुत दिमाग है, हम तो पढ़ा नहीं सकते थे और नहीं हैं है? तो उसने भाई ये तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं था, हम पढ़ाने के काबिल नहीं है, ये बच्चा क्या है बड़ा बुद्धिमान है। अब मैं पूछा थी पढ़ाई किस तरह होगी, मैंने कहा मम्मी जब इतना मैं तो घर ही पढ़ लूँगा, वो घर पढ़ा पढ़ाई काबिल, तो बिजली बिजली दुनिया भर की बना दी उसने। अब वो जब बन गया साइंटिस्ट पूरा हो गया तो पर्चे में क्या था? हाँ जो पूछा मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, तो माँ ऐसी हो अपने जो जो काला पीला बिचरा ऐसा बच्चा उसे गया बहुत अच्छा राजा मेरा है ना। माँ को अपने बच्चे सब क्या लगते हैं? राजा लगते हैं, राजा ही होते हैं माँ, मतलब माँ इतनी अच्छी चीज़ है। खैर ये बताना चाह रहा था मैं, अच्छा ठीक है। एक ऐसी कहानी रोजना बता दूँ छोटी की कोई है, एम इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है भाई आगे बढ़। कल को भी याद दिलानी है कि ऐसी छोटी सी कहानी है कि एक मिनट या दो मिनट छोटी छोटी आगे बढ़े भाई। एक तो ट्रिग्नोमेट्री और एक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्वेश्चन ये बार बार इसी किसी भी शक्ल में आ जाए कहीं भी है, हर टॉपिक में लिखो। एक सवाल ये है प्रूव दैट द ट्राइंगल फॉर्म, प्रूव दैट ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट क्या लिखा भाई? प्रूव दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, ये पॉइंट है वन वन प्लस आई अपॉन टू एंड आई ओटा, ये तीन पॉइंट है, ठीक लिख लो लगातार एंड वन बन नहीं होता सीधा सीधा यार, देखो बन जाए तो कि घुमा फिरा कुछ बाहर बन नहीं दिखता वन में, इसमें कोरिलेशन है नहीं 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 ये कोडी वन, ये तीन पॉइंट हैं वन वन प्लस आई और ट्राइंगल लिखवाया था प्रूव दैट डॉट ट्राइंगल ये फॉर्म लिखवाया नहीं, पर ट्राइंगल में तीन ही तो फॉर्म होते होते वर्टेक्स होते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, क्या लिखा प्रूव दैट ट्राइंगल फॉर्म द पॉइंट वन
वन प्लस आयोटा अपॉन टू एंड आयोटा एज ए वर्टेक्स, एज ए वर्टेक्स इन द अरेंज डायग्राम, इन द अरेंज डायग्राम इज आइसोसेलेस, इज आइसोसेलेस सुना के बिना देखो ये टाइप ऑफ ट्राइंगल होता है, टाइप ऑफ जैसे स्केलेनर, इक्विलेटर, इसोसाइसेलेस क्या होती हैं वो, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों, समबाहु। देखो एक तो विषमबाहु, विषमबाहु क्या कहते हैं स्केलेनर, याद रखते हैं ना भाई, अलग अलग। ये क्या होती है समबाहु, समबाहु क्या कहते हैं इक्विलेटर, तीनों इक्वल हो हैं। और एक क्या होती है यो आइसोसेलेस क्या दिया जिसकी कितनी दो साइड। तो एक सवाल है ये कि अगर मैं इन्हें वर्टेक्स को अरेंज कर दूँ ट्राइंगल में तो ये प्रूव करना है जो ट्राइंगल बनेगी वो कैसी होगी आइसोसेलेस कि। भाई सवाल तो समझ में आ गया ना, आइसोसेलेस आइसोसेलेस के अंदर क्या होती है भाई। अब देखो मैं क्या करते हैं, मान लिया, मान लिया ए ए के पॉइंट तो ये रहे वन, एक 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 ये ट्राइंगल ये तो होती है वर्टिस, तीन तीन वर्टिस होते हैं इसके अंदर, ये वाला ए बी सी, ए तो ये रहा है मान लिया, बी कौन सा है वन प्लस आई ओटा अपॉन, और सी कितना होगा यहाँ तो बात में होगी। अच्छा जब ये कोऑर्डिनेट की बात आ रही है इसमें है भाई, कोऑर्डिनेट तो एक्स और वाई से बने हैं, इसमें क्या है वाई तो है नहीं, वन कोमा जीरो कह दो इसे, दिक्कत तो नहीं भाई, इसे क्या कर दूंगा वन अपॉन टू और वन अपॉन टू आ जाएगा, है नहीं अन्य ये नहीं समझ में आया, ये है देखो वन प्लस आयोटा अपॉन टू है, देखो क्या है ये वन अपॉन टू प्लस आयोटा अपॉन टू नहीं कर सकता, देखिए इसे कहाँ जी, हाँ तो वन पॉइंट टी तो होगा ये, अरे मैंने बताया था वो, मैंने अभी शुरू में कम्प्लेक्स नंबर बताया था, ऑर्डर पी मतलब ए बी लिखेंगे ना, आई तो बी जो वाई एक्स है खुद दिखाएगा, वाई बी को वाई एक्स को दिखाएगा बताया था मैंने, इमेज पार्ट खुद दिखा देगा, देखो टोपी दिखाओ कहाँ शुरू करा मैंने आज, ये ए बी दिखा दे, ए बी ऑर्डर पी एन दिखा दे, ए बी ऑर्डर पी एन, ऑर्डर पी एन करके दिखाने देगा मैंने, ए बी ऑर्डर पी एन दिखाया था मैंने, बताया था ए बी, ए बी बिलोंग्स टू आर है, मैं बताया था मैंने, ये बताया था भाई मैंने, ये ए बी ये बताया था मैंने, इसके अंदर क्या था ए प्लस आई बी नहीं था ये, अब आगे तुम्हें कहाँ गया नहीं है कि क्या तुम्हें बोलो भाई, मानना तो नहीं हुआ तुम्हारी था ईमानदारी है, इसका क्या आ जाएगा जीरो वन, सब कुछ ऐप नहीं जाएगा। अच्छा अब मैं इसको आइसोसेलेस करना हूँ, आइसोसेलेस करना हूँ तो क्या निकाल देता हूँ, अब ये मान लिया ए तो ये आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अगर आइसोसेलेस करने के लिए क्या निकाल दूँ मैं, ए बी निकाल लूँ और क्या निकाल लूँ ए सी, ए बी और बी से कोई सी तीन दो निकल हो जाएंगे, बोलो भाई यानी क्या आ गया दो बिंदु दो, अब क्या आ गया दो पॉइंटों की क्या आ गया डिफरेंस आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, क्या फॉर्म लेता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का, हाँ शाबाश अरका करके दिखाओ, चलो या करके दिखाओ भाई, समझ में नहीं आएगा, देखो क्वेश्चन ठीक है बढ़िया है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखो एक बार और पहले क्वेश्चन समझ लो, देखो भाई कोई ट्राइंगल है, यूँ कह रहा है ये ट्राइंगल के ये पॉइंट गिवन है,
ट्रायंगल के ये आता है इस तरह का एल्टीट्यूड क्वेश्चन, उसमें तो आता नहीं है। ट्रायंगल के क्या है, ये पॉइंट कुछ, ये पॉइंट गिवन है, ये बताना है कि जो इससे अरेंज होगी, जो ट्रायंगल बनेगी, फॉर्म होगी, वो कैसी होगी। मतलब हिंदी में कह दूँ समबाहु विषमबाहु, समद्विबाहु, कोई नहीं, नन ऑफ दीज, या सारी बन जाएंगी, या ऑप्शन इस तरह दिएगा। मुझे पता है कि पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, इस तरह ये मुझे पता थे। अब फिर कोऑर्डिनेट से क्या निकाल लूँ, जिस तरह मैं टेंथ में करूँ तो इनकी क्या निकालूँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन कौन सी, ए बी, बी सी, बी सी, सी, जो भी निकालना चाहो, एक ही बात है, बी सी कहते हैं, सी ए कहते हैं। तो अब इनकी अगर निकाल ली मैंने, फिर इसमें देख लेंगे क्या है, निकाल लो चलो। ये तो ए आ गया पहले, बी, ए बी ए सी हो, हाँ ए और सी की ए सी कहलाएगा ना, क्योंकि वो ए सी निकाल ली, क्या निकाल ली, ए सी निकाल ली, और ए बी और अलग अलग आई होंगी, हाँ ये आएगी इसमें, बी सी के साथ आएगी, यार जितनी दोस्ती होगी साथ होगी, बी सी के साथ दोस्ती होगी, बी सी और ए बी और बी सी हैं, किसी हैं ए बी और बी सी की दोस्ती, किसकी दोस्ती होगी, नहीं आते मैं बताऊँ, कर लोगे भाई। तो इसमें जो आएगा किसकी दोस्ती होगी, ए बी इक्वल टू बी सी आएगी, तो दो इक्वल हो तो हो जाएगी प्रूव है। अच्छा सवाल था भाई, आगे बढ़े भाई। सर आपकी समझ में आ गया, या बताऊँ हट के कि भाई आपकी भी आ गया, कुछ आया सुन बता था थोड़ा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक बार और थोड़ा और आगे बढ़े जाए, देख लो। अब देखो, अब मैं कॉन्सेप्ट, अभी कॉन्सेप्ट होंगे सारे बच्चे भी, क्या होंगे कॉन्सेप्ट पे, कंजुगेट, इसके क्या होता है, सुना तुमने कंजुगेट भाई के लिए ना, ये सुना नहीं कहाँ, कहाँ सुना, क्या कह रहे, हाँ भाई यही तो है, ठीक कह रहे आप, डर नहीं बताते, कंजुगेट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर, ये यूँ कहना चाह रही है। देखो अगर मान लिया जेड कोई ए प्लस आई बी आयोटा बी एक नंबर है, तो इसका कंजुगेट क्या होता है, ए ये जेड लिखूंगा, इसके ऊपर वर्ड बाद में उसका कंजुगेट, इसे क्या पढ़ेंगे,
कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ जेड, ये कितना हो जाएगा ए, और इसका साइन चेंज हो जाएगा आयोटा, क्या आएगा इसका। अगर मैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहूँगा, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिख देना चाहिए, इसका क्या जाएगा, अगर मान लिया ये है, ये यहाँ ए प्लस आयोटा बी है, ये से नीचे आता है, ये इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्स एक्सिस है वही, ये क्या है वाई एक्स है, ये क्या चीज़ है भाई, हाँ शाबाश ठीक है भाई, आप एक रुख तो ठीक नहीं करते ठीक, कहाँ था ये कहाँ, ये ऐसे याद रखो जैसे बाल्टी के अंदर में नीचे चमती है इमेज बनती है, इसकी इमेज कहाँ बनती है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी समझ आ गया, ये क्या आ गया कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज जनरेटेड बाई बार जेड बार। बहुत सारे हैं, कल कल वो गिन के बता दूंगा मैं अगर चाहूँगे, हाँ नहीं इसका ये बता, जैसे आपके यहाँ ना ये सर्किल है, ये कोई नहीं सेक्शन है, तो वो एक में दे दिया जाएगा पूरा, एक हो जाएगा सब सबका, ये है टू डायमेंशनल जितनी होती है ना सब में, इलिप्स पैराबोला ये टू डायमेंशनल इक्वेशन सब एक में आ जाएगी, जिससे इसकी मेरे पास ही अभी मैं तुम पढ़ाऊँगा इसके बाद, जस्ट इसके ख़त्म होने के बाद इक्वेशन पढ़ाऊँगा, ये इकट्ठे दे रखे हैं इसमें कौन कौन से, डिफेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कंप्लेक्स नंबर इकट्ठे, दोनों को एक ही बना रखे, छोटे छोटे चैप्टर हैं ज़्यादा बनाएंगे, और इंटरेस्ट हैं मज़े हैं बहुत सीधे सीधे हैं, मतलब उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें बस मैंने आई आयोटा के बाद जो तुम्हें ना पता हो, कोई ऐसी बात तो नहीं बताई, सब कुछ पता है, बस पहले से पता, उसका नाम है थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिससे उसका नाम क्या रख दिया थी ने, कंजुगेट रख दिया है वही चीज़, अब आगे बताएं, एक है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, क्या लिखेंगे क्या लिखा, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंजुगेट, क्या प्रॉपर्टीज है भाई, फिर समझने की कोशिश करते हैं भाई एक बार और, ये क्या मान लिया नंबर है, ये क्या माना, ये जेड वो वाला नहीं है, जेड फोर जू वो मैंने चिड़ियाघर वाला नहीं दिया था, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इज मान लिया जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी मान लिया, तो कोई नंबर दिखाएंगे ना, मान लिया जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिया ए प्लस आई बी लेंगे ठीक है भाई, इसके बाद क्या करता हूँ मैं, ये क्या है इसका, ये क्या है इसका, फिर क्या कह रहे, शाबाश शाबाश बड़ी अच्छी बात है, बोलो बोलो एक बार बोली दिखाओ, नहीं बैठे बैठ बैठते कोई दिक्कत नहीं, बैठे हाँ और तो इन्हें सुना नहीं, इन्हें सुना दिया, इन्हें सुनाओ इन्हें भी सुनाओ, सुनाई बनानी चाहिए, नहीं ये भी कह रहे सुनाई नहीं चाहिए, अब तो गला ठीक है थोड़ा ठीक नहीं है, चलो मैं बोल ही दिखा रहा हूँ, चलो मैं बोल ही दिखा रहा हूँ, क्या कह रहा है ये क्या मिला है, कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कंजुगेट यानी कंजुगेट का कंजुगेट ही क्या होता है, सेम नंबर होता है, ये भी बताना चाह रहा है, लिखेंगे तुम यही लिखना, क्या लिखेंगे, कंजुगेट ऑफ ए कंजुगेट, कंजुगेट है कंजुगेट, कंजुगेट का जैसे देखो एक जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा वही है भाई, जेड बार क्या जाएगा ये कंजुगेट ऑफ, और फिर इसका एक बार और करूँगा तो क्या जाएगा, अरे मैंने क्या करा, मैंने कुछ कुछ गलत बात बताई, देखो वही नहीं बताई, गलत तो नहीं बताया था, प्रूव नहीं हो गया, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, हाँ जब देखो
इसमें क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं इसमें कि फाइंड द ओड मैन आउट, फाइंड द, उसमें ये चार पॉइंट देता है, उसमें इसे एक पॉइंट देगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑलवेज द सेम नंबर, ये कॉन्सेप्ट हो गया थी याद, ठीक। या यूँ कहेगा भाई अगर मैच मिस मैच करो इस तरह की कोई दे देगा, जैसे 2+3 आइए सोल्व करो, इसे इसे सोल्व करो, दो लाइन देखे इसके सोल्व करो इसे, अब तो कहूँगा यार तो गलती छपकी थी क्या, दो लाइन से वैसी हो गई, जिनने नहीं पढ़ा क्या गया वो हाँ गलती से हो गई, ऊपर छूटा हुआ दिखा क्या है, कुछ और होना चाहिए था यहाँ, चार प्लस थियोरिटी दी दोस्तों सवाल, यूँ यूँ कह रहा है, क्या कह रहा है, यूँ कह रहा कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट बता क्या होगा, समझ आ गए बेटे, लिख लो भाई से, अब तो ध्यान ही फिर नहीं, फिर तुम पूछो कह लो क्या हो रहा है, अब दो लाइन अभी थी हैं, यूँ लिखो पूरा जो मैं वर्ड में कह रहा बेटे, क्या लिखोगे, अब तो गुंगा सवाल है, हो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट नंबर, कॉन्जुगेट है कॉन्जुगेट से हिंदी में लिख दो, इज ऑलवेज ए सेम नंबर, गेट से आल, ये बेटे ही मेरा कॉन्जुगेट है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का और हमें की किसी को दिखाना, कॉपी थोड़ी चेक होनी, यहाँ कॉपी नहीं चेक होनी, वो तुम्हें समझाना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में लिख लो, और वहाँ जब तुम देखो इसमें क्या से क्वेश्चन आते हैं, टिक मार्क आते हैं, नमाज समझाने की जरूरत है तुम्हें, जिस तरह हिंदी में इंग्लिश में समझ में, तो किसी भी लैंग्वेज में और जिस तरह छोटा बड़ा करके तुम्हें समझाना चाहिए, ठीक नहीं है, तुम टेंथ में ये एट में तो सर भी मैडम चेक ओपी चेक कराए, क्या लिख रखा तुम्हें, काट दे तुम्हें, हाँ तो बस तुम्हें पढ़ना और तुम्हें, ये तो मैं देख भी रहा हूँ, कोई कॉपी देखता भी नहीं होगा, देखा है पास आ गए तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, कोई बहुत है नहीं देखने तो बड़े बच्चे हैं, देखने के लिए मैं, अच्छा एक और दूँ भाई, एक और प्रॉपर्टी बताऊँ, एक और कॉन्सेप्ट, ये समझ में आ गया, आगे बढ़े भाई, बढ़े तो भूलने तो नहीं, अब भूलने नहीं, देखो जो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा बहुत काम है, सब यहीं बता दो, घर घर कम पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए हल्के नहीं चला, देखो ये क्या नंबर है, ये क्या है, ये क्या है, ऑपरेशन है, ऑपरेशन है, अभी क्या है का प्लस का, प्लस का ऑपरेशन है, हैं अब ऑपरेशन में आ गए हमें, डॉक्टर साहब बन गए, क्या है इसका, वो यानी एक नंबर कम्प्लेक्स और उसका तो क्या क्या आता है हमेशा, रियल पार्ट ऑफ द ट्वाइस हो जाएगा, दिखेगा आपको, ये बंद कर देंगे भाई, देखो इतने तो देख पहले इतना सारी महाभारत नहीं मटेगी, बता रहे भाई, अब आया बेटे अब आया बेटे, अब ठीक है, अब उधर का भी शब्द भी दिख रहा, मारे तो नहीं दिखना, चलो अच्छा तुम्हें दिखना चाहिए, इसका तो कुछ नहीं यार, जो है ठीक है, आगे बैठे बस क्या अंदर समझे, क्या अंदर समझे बोलो, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसका और उनका दोनों क्या कर दो, प्लस प्लस वाला ऑपरेशन लगा दो उसमें, तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा जेड का, जेड के जैसे ए, देखो ये तो ए प्लस आयोटा बी है, ये क्या है प्लस ए माइनस आयोटा बी, इससे ज़्यादा 2 iota, अरे ए रियल पार्ट नहीं बताया था अभी शुरू में, सबसे शुरुआत तो यहीं भी करी थी भाई, ए क्या था 2 real part किसका, आर ई वी, आर ई वी के मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड है भाई, है आसान मजा था यार कुछ, और आगे बढ़े बढ़े थोड़ी देर, एक आधी प्रॉपर्टी थक गए, थके तुम बता दी थकी हुई, देखो ये इस तरह ये तो पहली प्रॉपर्टी आ गई लिख लेना, ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है, 2-3 आ गई, दो प्रॉपर्टी बता, 3 आएगी, क्या आएगी भाई, उतार लेता लेता ये
याद हो गई होगी। तीसरी तीसरी क्या आएगी भाई, देखो भाई तीसरी भी इसकी बहन होगी, क्या होगा गैस की बहन, बस माइनस ही सीधी बात है। क्या होगा जेड एक नंबर उसका कॉन्जुगेट और दोनों का माइनस क्या आएगा, दो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसे तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख लोगे भाई, तो बड़े सारे हो गए। गर्मी ज़्यादा हो रही है ना आजकल, है ठंडा हो गया। जो घंटे बजेंगे इधर के हैं, देखो भाई क्या करते हैं, देखो एक एक ध्यान रखना है हमेशा एक बात, जो मैं शुरू में बतानी चाहिए थी, जितने भी कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जितने भी मैंने कल बताए थे सारे रियल नंबर बताए थे भाई, नेचुरल और उसके अंदर सारे इमेज इरेशनल नंबर सारे क्या हो गए थे, रेशनल इरेशनल सारे क्या बना देते रियल नंबर, और ये क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर, यानी जितने रियल नंबर हैं सारे क्या के अंदर हैं। हाँ, अगर मान लिया आर रियल नंबर हो और सी कम्प्लेक्स नंबर हो तो ये होगा, ये आर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी जितने भी रियल नंबर हो सारे क्या होंगे वो कॉम्प्लेक्स। इसकी जरूरत यही तो पड़ी थी वो, क्योंकि मैंने बताया था ना जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई ओटा बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी जितने भी रियल नंबर है तो रियल नंबर खुद ही आ गए इसके अंदर, जितने भी रियल नंबर होंगे सारे क्या होंगे वो आई बात है, यानी कम्प्लेक्स रियल नंबर इधर सबसेट ऑफ, ये बताया वो सड़ने की सबसेट है यही नहीं है, तो बस ये देखते ठीक है, कि मैंने खुद ही करके लिया भाई आज के लिए इतना ही ठीक है, बेस्ट ऑफ आई सुनिया भाई कुछ थोड़ी सी बात आज आ जाए।